स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन इंटरेस्टिंग पोयम, दैट इज द शेड। और अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि शेड मतलब क्या। तो शेड मतलब कि कोई ऐसा एक कमरा, छोटा सा कमरा जो बहुत ही कच्चा हो। मतलब कि समझ लो कि जैसे हमने चार लकड़ी के पिलर्स लगा दिए और फिर ऊपर छत कर दी, तो वो कच्चा सा जो कमरा होगा उसे हम शेड बोलेंगे, जिसमें हम अपने कुछ औजार रख सकते हैं, काँव रख सकते हैं, वुड मतलब वुड की शेड हो सकती है, जहाँ हम अपने एनिमल्स रखते हैं, व्हीकल्स रखते हैं, उसे हम शेड कहें। एक फ़ोटोग्राफ आप देख लो जिसे हम शेड कहेंगे कि देखो ये कच्चा सा मकान ऐसा होता है, बहुत ही पुराना होता है, इसे हम शेड कहेंगे। तो ये पोयम शुरू करते हैं। देर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ अवर गार्डन विथ अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। यानी कि हमारा एक गार्डन है, उसके जहाँ गार्डन ख़त्म होता है बॉटम पे, वहाँ एक शेड है और उसका जो दरवाज़ा है उस पर मकड़ी का जाला लटका हुआ है। द हिंजिज आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड व्हेन आई एम इन अ बेड आई ले एंड लिसन आई विल ओपन दैट डोर वन डे। मतलब कि जो वहाँ जो दरवाज़ा होता है वहाँ हिंजिस यानी कि जिसकी वजह से दरवाज़ा वहाँ लटका हुआ होता है, तो उस कड़ा जो होता है जिसकी वजह से वो दरवाज़ा लटका हुआ होता है वहाँ काट लग गया है, मतलब कि रस्टी हो गया है। और जो जैसे वो हम दरवाज़ा खोलते तो उसे क्रीक चर चर जैसी आवाज़ आती है। तो जब भी जो पोएट होते हैं वो अपने बेड पे सो रहे होते हैं, तब ये आवाज़ वो सुनते हैं और वो सोचते हैं कि एक दिन मैं ये दरवाज़ा ज़रूर खोलूँगा। देर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड इट साइड विथ अ थ्री क्रैक्स पेंट्स ऑफ ग्लास। मतलब कि वो जो दरवाज़ा है उसके साइड में एक धूल सी जमी हुई पुरानी सी विंडो है जिसके तीन ग्लास टूट चुके होते हैं। आई ओफन थिंक देर आर समवन स्टेरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास। वो पोएट कहते हैं कि जब भी मैं उस जगह से गुजरता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मुझे घूर रहा है वहाँ से। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। एक दिन मैं इस विंडो में झांक के ज़रूर देखूँगा। पीप यानी कि उसमें झांक कर देखना। माई ब्रदर सेज देर इज़ अ घोस्ट इन द शेड हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड। मतलब कि मेरा भाई कहता है कि वहाँ उस शेड पे एक भूत रहता है और वो जो पुरानी सी टूटी हुई फ्लोर होती है ना, फर्श जो टूटा हुआ होता है उसके नीचे छुपा हुआ होता है। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट अ फुट इन साइड ही विल जम्प आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड। मतलब कि अगर मैंने हिम्मत की उस शेड के अंदर जाने की, पैर रखने की हिम्मत की, तो वो कूद जाएगा मेरे ऊपर और मेरा सर काट देगा। चॉप ऑफ यानी कि काट देना। बट आई विल टेक अ पीक वन डे, पर मैं एक दिन जाऊँगा ज़रूर वहाँ। आई नो दैट देर इजंट रियली घोस्ट माई ब्रदर टेल्स लाई टू कीप द शेड फॉर हिज डेन। मतलब कि मुझे पता है कि वहाँ कोई भूत वूत नहीं रहता है, मेरा भाई मुझसे झूठ बोल रहा है क्योंकि वो उस शेड में रह सके, अपना कोई काम है वो कर सके, अपने काम के लिए वो मुझे बता रहा है कि उसमें भूत रहता है, तुम उसमें मत जाना। देर इजंट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंजर नॉइस एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गोन फ्रॉम दिस वेब। मतलब कि वहाँ कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मुझे घूरता रहता है और कोई अजीब सी आवाज़ें नहीं आ रही होती, और वहाँ जो मकड़ी का जाला होता है वो भी कब का निकल गया होता है, चला गया होता है, जो मुझे पता भी नहीं होता। आई विल गो इन टू द शेड वन डे सून। एक दिन मैं उस शेड में जाऊँगा ज़रूर, बट नॉट जस्ट येट, अभी नहीं, पर मैं एक दिन जाऊँगा ज़रूर। तो ये थी अपनी पोयम द शेड। आपको अच्छी लगी ना? थैंक यू।